और इस बीच ये अहम खबर, कानपुर हिंसा में नए संदिग्धों की तस्वीरें सामने आई। कुछ ही देर में पुलिस इन संदिग्धों का पोस्टर करेगी जारी। नेहा शर्मा है डीएम कानपुर की और वो हमारे साथ इस वक्त बातचीत के लिए मौजूद है। बहुत स्वागत है मैम, आपने टाइम हमारे साथ स्पेयर किया, इसके लिए धन्यवाद आपका। ये कौन से नए लोगों की तस्वीरें जारी हो रही हैं, क्या इनकी भूमिका भी पता चल रही है? देखिए, लगातार जो कार्रवाइयाँ चल रही हैं उसमें पुलिस जो है वीडियो फुटेजेस के माध्यम से फोटोग्राफ्स जो हैं उनको सार्वजनिक डोमेन में लेके आ रही है। और इसी में आपको विदित होगा, कल एक पोस्टर पूरा जारी किया गया था 40 व्यक्तियों का। जो कार्रवाई है वो निरंतर चल रही है और अब भी जो हमारी सोशल मीडिया एनालाइजर्स टीम्स हैं ये एनालिसिस कर रही हैं, इसके क्रम में और फोटोग्राफ्स भी जारी किए जाने की कार्रवाई की जा रही है। तो ये सभी लोग एक ही तरह की धाराओं के तहत दोषी पाए जा रहे हैं मैम, जिनको चिन्हित किया जा रहा है, या इनके ऊपर इनकी भूमिकाओं के हिसाब से अलग अलग मामले दर्ज हो रहे हैं? देखिए, ब्रॉडली तो सभी उपद्रवी हैं, इस रेखा के साथ में ये चिन्हित किए जा रहे हैं, लेकिन क्योंकि ये पूरा एक सघन रूप से और बहुत ही गहनता से इसको पूछताछ का जो दौर है वो पुलिस कर रही है और इन्वेस्टिगेशन में कुछ और बिंदु निकल कर आते हैं तो उसी के अनुरूप कार्रवाई आगे जो है लीगली प्रोसीड करेंगे। तो अब क्या इनके साथ भी वो जो उपद्रवियों से नुकसान की भरपाई वाली कार्रवाई प्रशासन की रही है, जो सोच रही है, क्या इनके साथ उसी दिशा में आगे बढ़ा जाएगा? देखिए, उपद्रवियों के विरुद्ध जो भी लीगली हमें प्रोसीड करना है उस पर कार्रवाइयाँ होंगी। पूर्व में भी इस तरीके की चीज़ों में जो CNRC के दौरान भी कार्रवाइयाँ हुई हैं उसमें एक ट्रिब्यूनल गठित है, अब एक व्यवस्था है माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देश में। अगर इस तरह की नीड अराइज होती है तो इस ट्रिब्यूनल को भी अप्रोच किया जाएगा और उस पर यथावत जो कार्रवाई है वो एक विधिक परिधि में हम लोग आगे बढ़ते हुए इस बार लीगली पूरा साउंड कार्रवाई जो है वो इंश्योर हो, इस तरीके की कार्रवाई के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं। और ये तमाम लोग जो आइडेंटिफाई किए जा रहे हैं मैम, इसमें कौन कौन से फैक्टर्स कंसिडर हो रहे हैं, मतलब उनका वीडियो फुटेज, कौन कौन सी बातों के आधार पर ये माना जा रहा है कि ये अमुक व्यक्ति है और ये उपद्रवी था? देखिए, एक तो वीडियो फुटेज जो है वो सबसे पहला हमारे पास में एक इनपुट है। उसके अतिरिक्त में जो पुलिस बहुत ही अपनी विवेचना में, अपनी पूछताछ में जो चीज़ें निकल कर आ रही हैं उससे भी तार जोड़ कर देख रही है कि कहाँ कहाँ कौन लोग थे, उनके माध्यम से भी निकल के आ रहा है। एक व्यक्ति के द्वारा सरेंडर भी किया गया है, तो निश्चित ही एक पूरा एक समेकित भाव के साथ में इसमें काम हो रहा है। इसके अतिरिक्त जो हमारे सिविल डिफेंस के और अन्य प्रबुद्ध वर्ग से जुड़े हुए लोग हैं उनसे भी संवाद का पूरा दौर चल रहा है, ऐसे लोगों से भी हेल्प ली जा रही है और उन सभी लोगों को आइडेंटिफाई किया जा रहा है। सर्च ऑपरेशंस भी पुलिस के जो हैं वो लगातार जारी हैं और इन सभी में एक एक करके जो लोग पकड़े जा रहे हैं, चिन्हित हो रहे हैं, उन पर मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, पूछताछ के जो दौर हैं उसके माध्यम से अग्रिम कार्रवाइयाँ सुनिश्चित की जा रही हैं। इनमें से कुछ के विषय में सूचना ये मिल रही है कि इनके जो घर हैं वो अवैध रूप से बने हुए हैं, अनाधिकृत तरीके से बनाए गए हैं, क्या तोड़क कार्रवाई होगी? देखिए, बिल्कुल इन सारी बिंदुओं पर भी, इस पहलू पर भी हम लोगों ने एक पूरी योजना बनाई हुई है और जहां पर अवैधानिक निर्माण या कोई नियमों के विपरीत चीज़ नज़र आएगी उस पर हम लोग कठोरतम कार्रवाई के लिए प्रतिबद्ध हैं। अभी चिन्हीकरण का जो कार्यक्रम है वो KDA के सहयोग से हम लोग इंश्योर कर रहे हैं, आगे की जो कार्रवाई है उसके अनुरूप ही हम लोग टेकअप करेंगे एंड वी हैव टू गो विद एन आयरन हैंड। जो लोग भी इसमें गलत तरीके से इस पूरे माहौल को ख़राब करने में जुड़े हुए थे उनके विरुद्ध जो भी कठोरतम कार्रवाइयाँ हैं उनको अमल में लाया जाएगा। कितने लोग अभी कुल मिलाकर इस तरह से आइडेंटिफाई किए जा चुके हैं मैम, और इनमें से वो कौन हैं जिनका अरेस्ट भी इंश्योर हो चुका है, कितने लोग ऐसे हैं जो भागे हुए हैं? देखिए, अभी अरेस्ट जो है वो लगभग 50 लोग अरेस्ट हो चुके हैं इस पूरी गतिविधि में और ये कार्रवाई सतत रूप से चल रही है। एज आई पॉइंटेड आउट कि सर्च ऑपरेशंस जो हैं वो पुलिस के चल भी रहे हैं लगातार, साथ ही साथ में पैरेलली जो टीम्स हैं वो आइडेंटिफिकेशन का काम भी कर रही हैं,
पोस्टर्स को सर्कुलेट करके उसको बताया जा रहा है। अगर कुछ लोगों ने इनको आइडेंटिफाई किया है तो वो सीधे तौर पर जो कंसर्न थाना है या पुलिस है या हम लोगों के नंबर्स हैं उनसे संपर्क करके उनके बारे में बता सकते हैं। तो एक पूरा एक ये इस तरीके का तंत्र हम लोगों ने विकसित किया है और इसके माध्यम से सूचना का एकत्रीकरण हो रहा है। कोई ऐसी बात जो आप विशेष रूप से कहना चाहती हैं, क्योंकि दर्शक उस क्षेत्र विशेष के भी इस वक्त आपको देख रहे होंगे? देखिए, विशेष रूप से तो मैं यही कहना चाहूँगी कि एक बहुत अच्छे कानपुर जनपद की जो एक सामाजिक समरसता है उसको खराब करने की जो ये प्रयास हुआ है, उस प्रयास पे बहुत ही त्वरित गति से हम लोगों ने एक्ट किया। पुलिस की जो भूमिका थी बहुत ज़ोरदार थी और बहुत जल्दी ही इसको नियंत्रित किया। इसकी आग बहुत जगह तक फैल सकती थी और कुछ लोग इसमें ज़्यादा चोटिल हो सकते थे, उन सभी पर नियंत्रण और काबू बहुत जल्दी पाया गया। लेकिन फिर भी जो उपद्रवी हैं उनको भी मैं मैसेज देना चाहूँगी कि एक तो पुलिस की जो कार्रवाइयाँ हैं वो बहुत ही कठोरतम होंगी इस पूरे विषय वस्तु पे, और साथ ही साथ में जो प्रबुद्ध वर्ग है और जो आम जनमानस है उनसे भी अपील करना चाहूँगी कि इस सामाजिक समरसता को बनाए रखें और कानपुर नगर में एक अच्छा शांतिपूर्ण माहौल कायम करने में हमारा सहयोग करें। धन्यवाद मैम हमसे बात करने के लिए, आप एक बार फिर धन्यवाद। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।